एक्सप्लोरिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक और रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम आपको इस अविश्वसनीय देश के कुछ सबसे आकर्षक स्थलों की आभासी यात्रा पर ले जाते हैं। आज हम अरुणाचल प्रदेश के मंत्रमुग्ध कर देने वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, विशेष रूप से अनिनी के दूरस्थ और मनोरम जिले में। अनिनी दिबांग घाटी जिले का मुख्यालय है, जहाँ बादल भूमि को चूमने के लिए नीचे आते हैं। यह अधिकांश व्यावसायिक जरूरतों के लिए निकटतम प्रमुख मुख्यालय रोइंग पर पूरी तरह से निर्भर है। धुंधले हवा के पीछे से झांकने वाली अपनी के साथ यह अन्वेषित शहर प्राचीन शांति के लिए यात्रा करने का स्थान है। शेष भारत से उचित सड़क लिंक के बिना एकमात्र जिला मुख्यालय होने के बावजूद सर्किट हाउस में स्कूल, अस्पताल, एक जिला पुस्तकालय, एक पुलिस स्टेशन और आगंतुकों के लिए आवास है। अनिनी का अधिकांश भाग दिबांग नदी के दो सहायक नदियों द्री नदी और मथुन नदी के बीच एक मिनिएचर प्लेचू पर स्थित है। अनिनी को सुखद मौसम और अपार प्राकृतिक सुंदरता द्वारा चिन्हित किया गया है, जो इसे बादलों से दिखाई देने वाले पर्यटकों का स्वर्ग बनाता है। बोली जाने वाली मुख्य भाषा इदू मिसमी भाषा की मिडू बोली है। जिले में मुख्य उद्योग कृषि, वानिका और पर्यटन है। अनिनी अरुणाचल हेलीकॉप्टर सेवा द्वारा अरुणाचल के बाकी हिस्सों और असम में डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनिनी तेजी से महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि आपूर्ति और सैनिकों को असम में लेडो रोड के माध्यम से चीन में जाना पड़ा। 1947 में अनिनी का भारत में विलय हो गया है। दिबांग घाटी जिले को 1980 में लोहित जिले से अलग कर दिया गया था और अनिनी को राजधानी घोषित किया गया था। तब से अनिनी एकमात्र जिला राजधानी है जो शेष भारत के लिए पर्याप्त सड़क पहुंच के बिना है। पहाड़ों, अनिनी के निकटतम पर्वत और अपेक्षाकृत किसी का ध्यान नहीं जाता। इसका नाम कलिंगन स्थानीय मीदू द्वारा नामित किया गया था। इसके अलावा एक और पहाड़ है काई कला, जो समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस क्षेत्र के आसपास सबसे ऊंचा है कलिंगन की तरह ये स्थानीय लोगों द्वारा नामित किया गया था। अनिनी उत्तर पूर्व के सबसे दूर के पर्यटन स्थलों में से एक है। रोइंग लोअर दिबांग घाटी जिले का मुख्यालय भी है। रोइंग और अनिनी के बीच कुछ और पर्यटन स्थल है, जैसे सेली झील और हुनली। ट्रेकिंग के शौकीन खुद को स्वर्ग में पाएंगे, क्योंकि अनिनी सभी कौशल स्तरों को पूरा करने वाले कोई ट्रेल्स प्रदान करता है। हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वो मायोदिया पास की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई हो या दिबांग वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से शांत से प्राचीन नदी के पानी में राफ्टिंग करना या रात के तारों से भरे आकाश के नीचे शिविर स्थापित करना आपकी यात्रा में रोमांच का एक अतिरिक्त स्पर्श जोड़ता है। अनिनी की जैव विविधता एक खजाना है जिसे खोजा जाना बाकी है। हरे भरे जंगल, दुर्लभ और विदेशी वनस्पतियों का घर है। रोडोडेंड्रोन और औषधीय पौधे शामिल है। अपनी आंखों को मिसमी ताकिन के लिए रखिए, जो केवल इस क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरी मृग प्रजाति है। साथ ही अन्य आकर्षक वन्यजीव जैसे बादल तेंदुए और काले सारस के लिए अनिनी अरुणाचल प्रदेश एक छिपा हुआ रत्न है, जो बीट और प्रामाणिक अनुभव की तलाश करने वाली यात्रियों द्वारा खोजे जाने की प्रतिज्ञा कर रहा है। अपने आकर्षक परिदृश्य, विविध वन्य जीवन, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और रोमांचकारी साहसिक गतिविधियों के साथ अनिनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विसर्जन का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। तो अपने बैकपैकर इस अनछुए स्वर्ग का पता लगाने के लिए तैयार हो जाए और ऐसे यादें बनाए जो अरुणाचल प्रदेश के दिल अनिनी में जीवन भर रहेगी। अरुणाचल प्रदेश के अनिनी की इस आभासी यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।